नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के छठे दिन की कथा अध्याय 6 में। अपनी कल की कथा अध्याय 5 में हमने देखा था कि कैसे श्री हरि अधिमास को लेकर गोलोक में जाते हैं, और आज सुनेंगे गोलोक में विष्णु जी का श्री कृष्ण से अधिमास के दुख का वर्णन करना। नारद जी बोले, हे पाप रहित ऋषि प्रवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिमास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहां जो हुआ सो कहता हूँ। सुनो, गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की भी आंखें चकाचौंध हो गईं, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिमास को अपने पीछे करके वे धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिमास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने बंद नेत्रों से ही प्रवेश किया, और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय अक्षर, अव्यक्त, नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्यावस्था वाले, शांत गोपीनाथ, हे मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों काम देवों के समान सुंदर, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीताम्बरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रासवासी, रसोल्लासित, दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके और नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो भी मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, और खोटे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देंगे, और उसके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाली गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। अब कीर्ति का नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कांपते हुए मलमास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, यह किस लिए आया है और रो क्यों रहा है? इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता, गोलोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते हैं। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर भगवान विष्णु सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के सारे दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है, इसके कष्ट मैं आपके आगे कहता हूँ, इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ ले आया हूँ, आप इसके दुखों को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्याज्य है, अपूज्य है और शुभ कामों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से, इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, बारह महीनों ने, कलाओं ने, काष्ठाओं,
क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने स्वामियों के गर्भ में आकर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इसने मरने की ठान ली है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते हुए तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। इसके महादुख को आपके बिना कोई अन्य निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख दूर करने वाले हो, अतः इस संतृप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद देवताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सन्मुख कोई बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिमास की सब कष्ट गाथा श्री कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़े श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो, आप दीर्घ काल तक जीवित रहें, आप श्रवण करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारबिंद से हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी संवाद है। उसके बाद गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया, वह कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा, सो कहो, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों की परम औषधि है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्तम कथा अष्टम अध्याय समाप्त।